गाइस, इट्स मी मोनिका ओझा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। दोस्तों, इसका एक सिंबल था जिसका नाम है नाजी सिंबल, जो कुछ इस तरह का दिखता था, यानी कि कुछ कुछ हमारे हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह की तरह। और कुछ लोग इन दोनों चिन्हों को एक जैसा ही मानते, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये नाजी सिंबल और हमारा जो हिंदू धर्म का स्वास्तिक चिन्ह है, इन दोनों ही चिन्हों का जमीन आसमान का फर्क है और ये दोनों ही चिन्ह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर इन दोनों चिन्हों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज आगे भी मिलते रहें। दोस्तों, हिटलर का जो नाजी सिंबल है ना, उसको हमारे हिंदू स्वास्तिक चिन्ह से जोड़ने का प्रयास जो है वो आज का नहीं है, वो हमेशा से चलता चला आ रहा है। लेकिन कई ऐतिहासिककार जो हैं वो मानते हैं इस बात को कि नाजी हाकेनक्रूज वास्तव में जो है वो एक ईसाई क्रॉस का ही एक रूप है। चलिए आपको आगे ये भी बता देते हैं कि आखिर ये नाजी हाकेनक्रूज क्या है। दोस्तों, हिटलर जहाँ पर बड़ा हुआ था, जहाँ पर वो पला बड़ा था, वहाँ पर एक मठ में हाकेनक्रूज था। साथ ही गाइस, आपको ये भी बता दें कि जिस ईसाई मठाधीश को हिटलर अपना आदर्श मानता था, अपना सब कुछ मानता था, वो भी इस हाकेनक्रूज को धारण करता था। चलिए आगे आपको एक प्रूफ और दिखाते हैं। दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम है द साइन ऑफ द क्रॉस। उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि हुक्ड क्रॉस ईसाइयों के विभिन्न प्रकार के क्रॉसों में से ही एक है। तो फिर अब आप ही बताइए इस बात को कि आखिर हिटलर के इस क्रॉस चिन्ह को हमारे हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह से क्यों जोड़ना। और गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि खुद हिटलर ने भी इस बात को कहा है कि नाजी पार्टी सिंबल जो है वो जर्मनी में दो ईसाई संप्रदायों को जोड़ने का और ईसाई क्रॉस की तरह यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष जो है वो जारी रखने का राजनीतिक संकेत है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का ये जो नाजी सिंबल है, इसका हमारे हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो एक ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको नाजी सिंबल और हमारे हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह के बारे में अवगत करा सकूं, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे आपको दिखा सकूं। आई होप कि आपको ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कॉमेंट सेशन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सभी को पता हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।